all, welcome to Ambuja Cement presents Comedy Circus ka Naya Daur. दोस्तों सबकी जिंदगी मेरी तरह नहीं होती है मेरे दोस्तों को अपनी जिंदगी में मिला है सच्चा प्यार और इसी की मिसाल लेकर आ रहे हैं वो कॉमेडी सर्कस में सो प्लीज वेलकम द वेरी हैंडसम द वन विद वंडरफुल ब्यूटीफुल हेयर एंड जेंटल ब्राउन आईज जायद खान एंड द गॉर्जियस दिया मिर्जा हु मीट्स मी एंड कीप सेइंग बंटी दो चाय ले आओ हियर दे कम तालियां हेलो 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 एवरीबॉडी हेलो सुहेल भाई हेलो अर्चना जी कैसे हैं आप तो साइरस यार तूने कॉमेडी सर्कस में भी लोगों को हंसाने शुरू कर दिया भाई कोशिश तो वही नहीं जायद मुझे साइरस का जो छुपा रुस्तम वाला एंगल है ना हाँ 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 उसके बारे में काफी जानकारी है साइरस एक्चुअली यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हाँ करेक्ट करेक्ट मैंने सुना है कि इस शो की एंकर काफी हॉट है ब्रदर मैं तुम्हें अपना आधा दिल देना चाहता हूँ तुम रखो एंड दिया दिस द अदर हाफ फॉर यू ओ गॉड मर गया दीज आर एक्साइटिंग टाइम्स प्लीज वेलकम द वेरी स्वीट द वेरी ब्यूटीफुल रोशनी ये हार्ट जो दो हिस्सों में बटा हुआ है इसको जोड़ के हम रोशनी आपको को देंगे क्योंकि आप सही हकदार हैं इसका अच्छा आपकी फिल्म रिलीज हो रही है तो सबसे पहले दिया कुछ बताइए अपनी फिल्म के बारे में इट्स अ वेरी सिंपल वेरी स्वीट फिल्म अबाउट रिलेशनशिप्स सभी के जिंदगी का कोई ना कोई हिस्सा इस कहानी में नजर आएगा विच इज वाई वी यूज द टैग लाइन इज दिस योर स्टोरी वी आर रियली ब्लेस्ड ओके किसका हो रहा है ब्रेकअप किसका हो रहा है और जिंदगी किसकी है ये बताइए देखिए लव और ब्रेकअप्स के बिना जिंदगी तो हो नहीं सकती है तो मैं यही कहूंगा द फिल्म इज रियली गुड सो गो वॉच इट बोथ ऑफ यू ज़ायद एंड दिया गो एंड जॉइन अर्चना एंड सुहेल देन प्लीज टेक योर थैंक यू गाइस साइरस मैं जब भी ज़ायद को देखती हूँ ना तो मेरी धड़कने बढ़ने लग जाती है बल्कि छुकने लग जाती है और सांसें तेज होने लग जाती है ओह नो दिस इज नॉट लव तुम्हें तो हार्ट अटैक हो रहा है क्या हाँ तुम्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा लेकिन डोंट वरी सरकारी अस्पताल यहीं पे आ रही है वेलकम सुदेश एज सरकारी हॉस्पिटल एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर और बिडू लोग क्या हाल है अरे तुम लोग के लिए जज रहेंगे लेकिन मेरे तो कलीग हैं कलीग मैं भी यहाँ गंदगी साफ करता हूँ और इन लोगों ने भी यहाँ बहुत गंदगी साफ की है अथर प्रिया माही इन सबको मैं बहुत मिस करता हूँ हमारे एक्ट के बाद बस खड़े हो जाना नहीं नहीं मारने के लिए नहीं वो मैं सुदेश को मारता रहूंगा एक्ट में स्टैंडिंग ओवेशन के लिए अच्छा लेकिन एक्चुअली उसके लिए भी नहीं तो क्या गंदगी बहुत रहती है ना नीचे साफ करने के लिए हमारे कॉमेडी सर्कस की शूटिंग हफ्ते में एक बार होती है लेकिन 6 दिन सफाई में निकल जाती है नीचे और भाई तू सोच रहा है तेरे पे पंच नहीं मारा है पक्का मारूंगा ये जो सुरेंद्र है ना कल अपने भाई के साथ सो रहा था तो जगह बहुत टाइट थी जगह बहुत कम थी अचानक से भाई नीचे गिर गया तो कहता अरे ऊपर आ जा एक आदमी की सोने की जगह बन गई आ जा हाय जाहिद भाई हेलो दिवाली से पहले दिया आ गया बाबा राइट भाई शाहरुख के साथ आपने क्या काम किया था यार फिल्म में इतना अच्छा काम किया इन्होंने कि शाहरुख को पूरी पिक्चर में कहना पड़ा मैं हूं ना सर अभी आप प्रमोशन के लिए आए ना जी ऐसे मत देखना हंसना मेरा दोस्त है ये मेरा भाई है सर कौन सी फिल्म के लिए आए हैं लव ब्रेकअप एंड जिंदगी लव का मतलब अर्चना और कपिल ब्रेकअप मतलब सुदेश और कॉमेडी और जिंदगी मतलब कॉमेडी सर्कस की सुबह 6-6 बजे तक शूटिंग साला इधर चपड़ासी आ गया सफाई करने को हॉस्पिटल अभी तक आया नहीं बाल कलाकार सरकारी हॉस्पिटल कहाँ था तू अब तक वो मैं आया था इधर
तो आप लगे हुए थे, फिर मैं वही हॉस्पिटल में थोड़ा वो सातवें लेबोरेटरी को मिलने चला गया था। आज के बाद किसी भी लेबोरेटरी के साथ चक्कर नहीं चलाना। क्यों? सर वो पता क्या है कि वो माँ बनने वाली, उसने तुरंत चेकअप करवा के पता करवा लिया कि उसका उसका बाप मैं हूँ। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है भाई? सर रो ना तो क्या बात है, मेरा भी चेकअप करवाया ना, मैं शर्मिंदा हो गया। क्या उसमें आया है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता? अरे तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है यार। अच्छी बात, तेरा नाम नहीं लगेगा। नाम की बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ मेरे घर पे जो छोटे छोटे क्लिनिक घूम रहे वो किस कमीने की औलाद है। तेरे घर की बात हो रही है साला, मेरे को कमीना बोल रहा है तो जड़ी। खैर मेरे को सफाई करने दे। अब पागल है तू, उधर क्यों थूक रहा है? अरे तो क्या करें साले, सरकारी अस्पताल के बाथरूम भी इतने गंदे होते हैं, बदबूदार। तो तू साफ करना तेरा काम है। अरे कैसे करूं, मना किया है मेरे को। हमारे इधर वो बेहोश करने वाली दवाई खत्म हो गई है। वो पेशेंट को बाथरूम में ले जाकर ही वहां पर बेहोश करते हैं। नहीं, दवाई खत्म कैसे हो गई? वो कल का 40 मरीज आए थे, 40 घायल होके। वो क्यों? वो क्या है ना, हाईवे पर कल सुरेंद्र बाइक चला रहा था। अच्छा। इसका ब्रेक फेल हो गया। अच्छा। तो हाईवे के इस तरफ दो आदमी खड़े थे और इस तरफ 40 आदमी। तू ठोकना था तो दो आदमी को ठोक देना, 40 को क्यों ठोका? नहीं, गया दो की तरफ ही था। हाँ। साले वो दो और बड़े सुरेंद्र निकले, वो 40 की तरफ चले गए। 40 की तरफ तूने ठोक दिया, ओ मजा आया। ओ सुरेंद्र ने 40, ये बहुत अच्छा काम किया। अब जजेस ये नहीं बोल सकते कि स्क्रिप्ट में हंसी नहीं थी। वैसे कभी कभी हंसी मुझे आती है डॉक्टरों पे भी, इनको जब लोग बेवकूफ बना जाते हैं। एक दिन सुरेंद्र आया था, डॉक्टर को कहता मेरी बीवी बीमार है, जल्दी जल्दी मेरे घर चलो। कहते घर जाने के 200 रुपए लगेंगे। कहता कोई नहीं जल्दी चलो। गाड़ी निकाली, डॉक्टर ने बीच में बैठा, मीरा रोड पहुंच गया, जाते ही 200 रुपए दे दिया। कहता मरीज, कहता मरीज नहीं 400 मांग रहा था टैक्सी वाला, तो आपको ले। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, माय गॉड, सरकारी अस्पताल में कोई डॉक्टर भी नहीं है। चलो कोई देख तो नहीं रहा, तब तक मैं कपड़े बदल लेती हूँ। बदलो बदलो, कोई नहीं देख रहा। देखा साला ठरकी डॉक्टर, कपड़े बदलने के नाम पर आ गया साला। मैं डॉक्टर थोड़ी, मैं हॉस्पिटल हूँ। बदलो बदलो। अरे ऐसे कैसे बदल लो, इधर आओ, मेरी सांस प्रेग्नेंट हो गई है, कुछ करिए प्लीज। किस उम्र में प्रेग्नेंट? हाँ। लगता है तुम्हारे ससुर हमेशा घर पे रहते होंगे। नहीं, मेरे ससुर को मरे 22 साल हो गए। ये क्या 22 साल हो गए और प्रेग्नेंट? अच्छा, लमसम ही करके प्रेग्नेंट फिर। इसका मतलब अब तक तो बच्चा बड़ा हो के डिग्री लेके नौकरी ढूंढ रहा होगा। ए सरकारी अस्पताल, इसे इमरजेंसी में लेके चलो जल्दी। कोई चिंता नहीं, दवाई मेरे पास है। ये लो, वेरी गुड, यही होता है ध्यान, जोरदार तालियां। इसको पिलानी है? अच्छा अच्छा, वेरी गुड, पियो पियो। एक मिनट में सैलेड खाओगी? वेरी गुड, यस। अब तो ये बच जाएंगी ना? नहीं नहीं, ये तो मरी हुई है पहले से। क्या, मेरी सांस मर गई? मेरी सांस मर गई। मेरी सांस मर गई। क्या हो गया? कुछ नहीं होना से, मैं विश्वास दिलाता ठीक हो जाएगी। ए अस्पताल, बोल। मेरी सांस तो चली गई, अब देखते हैं हमारी सांसें बचती है कि नहीं। चलो देख लो भी। इस सरकारी हॉस्पिटल का टूर लगाना चाहेंगे? Now I call you guys, Jai Viru. The talent is so much that you all can depend on each other, not the script. So as stand-up comedians, okay? Archana, आप क्या कहेंगी आज के इनके एक्ट के बारे में? Watching both of you on this stage is an experience जो दर्शक हैं उनको अंदाजा ही नहीं है कि what a joy it is to see Krishna and Sudesh perform live in front of you. So both of you are. Zayed, कैसे लगा आपको हमारा अस्पताल? मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत ही talented हैं. It was a pleasure watching you all both. Krishna, you were fantastic, I have to say. और मुझे लगता है कि I wish and I will try and tickle Archana ji here to give you good marks. Okay, so. दिया, आप
क्या कहेंगी हमारी सेक्सी कृष्णा के बारे में? मुझे तो कॉम्प्लेक्स दे दिया इन्होंने. ऑल द बेस्ट. आई एम गोइंग टू ब्राइब बोथ ऑफ दीस पीपल टू गिव यू वेरी गुड मार्क्स. थैंक यू सुरेश जी. अर्चना कितने नंबर देंगी आप इन्हें? फॉर टुडे, टुडे इट इज दिस 8 points. Welcome Rajiv Thakur as Ben and Sugandha as various characters. Archana ji, pehchana? Kalam. ये औरत नाम की जो चीज बैठी है ना सामने, ये पहचान ही लेती है आप कुछ भी बन के आ जाओ. अच्छा. मैं वो चीज हूँ कलम, जिससे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, उपन्यास लिखे गए, चौपाइयां लिखी गई, वेद लिखे गए, लेकिन किसी ने भी पंच नहीं लिखा. पंच लिखा तो सिर्फ हमारे कॉमेडी सर्कस के राइटर्स ने लिखा. हाँ. वो भी दूसरों की स्क्रिप्ट में. मेरी बारी साले टुंडे हो जाते. आज ये कलम जिस बाबा के पास है, इतना वो समझ गए ना आप, ऐसा बाबा है, ऐसा बाबा है कि मार मार के दिल करता उसको टेढ़ा कर दूं. पता नहीं मुझसे बैठ के क्या क्या लिखता रहता है यहाँ पर. धन दौलत, खाना पीना, प्रमोशन, सब मोह माया है, सब मोह माया है. हमने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, बड़ी बड़ी ज्ञान की किताबें लिखी हैं. अबे कौन सी ज्ञान की किताबें जो आजकल रेलवे स्टेशन पर 15-15 रुपए में मस्त राम की मनोहर कहानियां के रूप में बिकती है. बकवास बनकर, तूने हमें क्रोध दिलाया है, अब तू ही लिखेगा. लिख. आने वाले कुछ सालों बाद एक बहुत बड़ा जलजला पैदा होगा. तो सीधी तरह बोलना, अर्चना पैदा होगी. अर्चना वो जलजला है जो हंसेगी तो तीनों लोक के देवी देवता आपस में जाके एक दूसरे को डांटेंगे. अबे इसको नीचे पैदा करने का अप्रूवल किसने दिया था बे? हम ही ने इसको पैदा किया, हंस हंस के हमें डरा रही है. अबे ये राक्षसों का सामान धरती पे किसने कुरियर किया है? क्या? आगे लिख, आगे. आज से हजारों साल बाद एक बड़े दिलवाला पैदा होगा. एक ऐसा दिलवाला जो इस लास्ट में एंट्री करने वाले को एक नंबर ज्यादा देगा. और हर किसी पर तरस खाएगा, तरस. हाँ, और सबकी खुन्नस एक ही आदमी पे निकालेगा. लेकिन तू बता, तेरा भविष्य क्या है, तू जानता है? मेरा भविष्य ये है कि कुछ दिनों बाद मैं मर जाऊंगा. कुछ दिनों बाद नहीं, मुझे लगता है इस एक्ट के बाद ही मरेगा ये. लेकिन समय इसी तरह बदलता गया. कलम हटी तो मैं इंक पेन बन गया. जुनूनी आदमी के हाथ में आया तो इनकलाब बन गया. और शायर के हाथ में आया तो मैं शायरी करने लगा. अर्ज किया है, जायद के साथ मिर्जा ऐसे लगता है जैसे दिया के साथ बाती. ऐसे लगता है जैसे दिया के साथ बाती. राहुल राय, तूने 20 फिल्में कर ली, लाइन तुझे एक भी बोलनी नहीं आती. पेन का जमाना गया तो बॉल पेन आया. इसे कोई यूज नहीं करता था. लोग कहते अब ये किसी काम का नहीं रहा, लेकिन एक बंदे के काम का है, अर्चना जी. नहीं नहीं, ये विद्वान नहीं है. आज भी इसे कान में मार के मैल निकालती है इसे. सारे काम ऐसे ही करती हैं उल्टे पुल्टे. मैं क्या करूं? कल इन्होंने माइक्रोवेव में प्रमीज जी की शर्ट रखी हुई थी और प्रेस पर रोटियां गर्म करके उन्हें खिला रही थी. गरीब राइटर के दो वक्त की रोटी. गरीब राइटर की दो वक्त की रोटी. हाँ, मैं हूँ गरीब राइटर की दो वक्त की रोटी. और यही दो वक्त की रोटी खाकर आज एक राइटर का बेटा जज बन के बैठा हुआ है. जोरदार तालियां. और तू कौन है बे? अमीर राइटरों के छिछोरेपन का सामान? क्या? हाँ. बकवास बनकर, अच्छा आजकल लैपटॉप का जमाना है. 2 रुपए के पेन का जमाना कब का गया? अबे मेरा ही जमाना है. जायज जी, आपकी मैं हूं ना फिल्म इसी पेन से लिखी गई थी, सुपरहिट हुई थी कि नहीं? अच्छा. और मिशन इस्तांबुल? हाँ, तो कभी कभी लैपटॉप भी यूज करते हैं वो. तुम्हें क्या पता कि आजकल लैपटॉप का जमाना है? क्योंकि आजकल पेन का नहीं, पेन ड्राइव का जमाना है. और सारे राइटर्स बड़े बड़े इस कीपैड पे अपनी फिल्में लिखते हैं. अबे ओ, जिससे बड़ी बड़ी फिल्में लिखी गई हैं उसे पेन कहते हैं. जावेद साहब, सलीम साहब, जंजीर, शोले, दीवार. अबे ये आजकल के राइटर क्या दीवार बनाएंगे, ये तो एक अंडे का आमलेट बना ले, वो भी अंडा किसी राइटर का चोरी किया होता इन्होंने. अबे हमारा जमाना था
जिसमें मैटर चोरी नहीं होता था क्योंकि हैंडराइटिंग से पता चल जाता था किसने कितना लिखा हुआ है। और तुम्हारे लैपटॉप पे कोई भी राइटर कुछ भी लिख जाए, राइटिंग सबकी सेम ही होती है। अबे हाँ, अपनी औकात मेरे, अच्छा मेरे सामने आज भी तेरी कोई औकात नहीं है। अबे ओए, तू मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता जितनी जज कर सकते हैं। एक बात याद रखना, आंसू निकल आते हैं लेकिन नंबर नहीं देते। आज भी इनका हाथ मैंने देखा आठ की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सहेल जी, ये जो मैं लाइन बोलूंगा इसके बाद आपको नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, हाथ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो पेन है जब ये साइन हुआ था तो 1947 में हमें आजादी मिली थी। एक मिनट, और बंटवारे के टाइम भी इसी पेन से साइन हुए थे। वही पेन आज तक ये पेन लेके घूम रहा है। तुम्हें क्या लगता है बंटवारा सिर्फ देश का हुआ था? अबे इस पेन का भी हुआ था। ढक्कन मेरा पड़ोसी मुल्क में चला गया, 65 साल से नंगा घूम रहा हूं। आज भी आपको इस पेन की इज्जत प्यारी है तो प्लीज अच्छे अच्छे नंबर देके इस पेन की इज्जत बचा लेना, वरना शेम शेम तो है ही सही। थैंक यू सोहेल। सबसे पहले इस पेन का पेन दूर कर दीजिए और बताइए कि क्या ये आज आर्ट की ओर एक कंटिन्यूटी रखते हैं यार अपनी। Enjoyed it, probably not for the act as such, but Rajiv, तू काम मत जा यार, तेरे को देखने में बहुत मजा आता है। अर्चना, जब ये act शुरू हुआ तो मुझे लगा ये act कहीं ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहा है, कहीं ज़्यादा ऊंचाइयाँ नहीं छू रहा है। जहाँ पर आपने बोला अब मैं जो लाइन बोलूँगा, उम्मीद है आठ तक आपका हाथ पहुँचते पहुँचते किसी और नंबर की ओर बढ़े। वहाँ से इस एक्ट ने एक नया मोड़ लिया। टुडे आई वुड गिव माई मार्क्स टू राजीव। तो मार्क्स दे ही दीजिए अर्चना, कितने नंबर देंगे आप इन्हें? 9.5। जायद, थैंक यू वेरी मच फॉर एंटरटेनिंग अस। पहले शराबी गटर में गिरते थे और आजकल गटर से ही प्यार कर रहे हैं। प्लीज वेलकम भारती एज गटर एंड सिद्धार्थ एज शराबी। एक्चुअली मैं तुम्हारी तरह एंट्री करने वाली थी टायर पे बैठ के, लेकिन आते वक्त ही डायरेक्टर ने मना कर दिया। कहते देखो बेटा, ट्रक का टायर साइकिल के टायर पे कैसा लगेगा। और मुझे पता है कि आज के हमारे एक्ट में तीनों लोग हंसेंगे लेकिन दिया हंसेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अक्सर आम लड़की सुंदर लड़की से जलती है। प्लीज दिया, ये चलना वाला बंद करो, मुझसे कुछ सीखो। तुम भी ऐसा फिगर पा सकती हो। अरे बहुत आसान होता है, बस 5-6 आलू के परांठे, इतना बड़ा लस्सी का गिलास, घी डाल डाल कर खाया करो, झट से ऐसा फिगर हो जाएगा। वैसे तुम्हारी नजर में वो प्यार नहीं है सोहेल, क्योंकि मैं आज गटर बनी हूँ इसलिए। सोहेल, मैंने आज तक तुम्हें कभी मना नहीं किया, तुम आते जाते मेरे पेट में गुकु मुकु गुकु मुकु करके जाते। आए जाए कैसे हैं? Very well. मेरे प्यार में सीरियस मत हो जाना। अच्छा जी, आपको लगा मैं गिरा क्या? नहीं नहीं, मैं गिरा नहीं, मैं तो पोज दे रहा था। एक मिनट, तू इधर किधर क्या कर रही है? तू इधर क्या कर रही है? अरे मेरे को बोली माँ के घर जा रही हूँ, छोटे छोटे कपड़े में इधर आके किधर तेरी माँ का घर किधर? हेलो दिया मैडम जी। अरे क्या बात है, मैंने देखा था रहना है तेरे दिल में। वो क्या है, मैं दो पंक्ति आपके लिए बोलूंगा कि आप मिर्जा दिया है और मैं दो बोतल पिया है। देख लो। हेलो गटर, अभी मैं बेवड़ा तू गटर, तो मेरे को गटर में गिरना पड़ेगा। और अपना अलग स्टाइल होता है गिरने का, तो गिरना पड़ेगा भाई। अरे ले, अरे ओ बेवड़े, तू मेरे अंदर क्यों गिरा? हाँ तुम लोग शराब पी के गटर में क्यों गिरते हो? वो क्या, मैंने दूध पी के भी ट्राई किया था लेकिन सारा शराब से ही गिरा मैं। अरे जाओ यहाँ से, बातें बातें मत करो, मेरा बॉयफ्रेंड नाला आने वाला है। अगर नाले ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना, तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। एक मिनट मैडम, एक मिनट, शराबी शराबी बोलते हो? अरे आदमी मजबूरी में शराब पीता। असमत साले सच्ची में मजबूरी में पी रहा हूँ। दोस्त, ऐसी कौन सी मजबूरी है तुम्हारी? वो मेरी बोतल है ना, बोतल उसका ढक्कन गुम हो गया।
रसोल। एक मिनट, और एक कारण है मेरे पास। सोहेल भाई, आदमी ज्यादा शराब कब पीता है? जब उसको ज्यादा जरूरत होती है। मेरे को जरूरत है मालूम अर्चना मैम। दोस्त, ऐसी क्या जरूरत है तुम्हें? वो क्या, अभी त्योहार आ रहे है, अभी त्योहार आ रहे है, दिवाली आ रही है। हाँ। मेरे को रॉकेट लगाने के लिए खाली बोतल नहीं मिल रही थी। फिर मैंने सोचा क्या करूं, फिर मैंने पहले बोतल खाली की, फिर रॉकेट लगाऊंगा। तो साले निकलो यहाँ से। क्यों निकलो? अरे मेरा बॉयफ्रेंड नाला आ गया ना, और उसने मुझे तुम्हारे साथ पड़ा देख लिया ना, तो वो मुझे छोड़ देगा। गटर टेंशन मत ले। क्या है, दोनों के बीच में आता है जब लव, जिंदगी और ब्रेकअप होता है तो क्या होता है मुझे मालूम है। प्यार में मैं भी पड़ा हूँ मालूम, इस रोशनी से बात मत कर, उससे बुरा लगता है मेरे को। एक बात पूछूं, अगर तुम्हें रोशनी के साथ शादी करने का चांस मिले तो करोगे? येड़ी है। चांस मिलेगा तो शादी कौन करेगा? और वैसे भी जायद भाई ना, मेरी ना मेरी पहली शादी हो चुकी है। शक्ल तो देखो, ऐसे शर्मार से बहुत खूबसूरत होता है। सुन, अगर तेरी शादी हो चुकी है तो दूसरी लड़की पे नजर क्यों रखता है? अरे मेरी बीवी मुझे बहुत परेशान करती है, हर दिन पैसे मांगती है मेरे से, 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो। इतने पैसे मांगती है? अरे रोज इतने पैसे मांगती, इतने पैसों का करती क्या है वो? मालूम नहीं, मैंने कभी दिए नहीं। भगवान, मत पिया करो इतनी शराब, देखो ऊपर से लेके नीचे तक पूरे चोटों से भरे हो तुम। अबे शराब की वजह से नहीं लगा, वो मेरे को गाड़ी ने ठोका था इसलिए लगाया हो। शराब पी के रास्ता क्रॉस कर रहे होगे? अबे काहे का रास्ता वे, मैं तो लोटा लेके खेत में बैठा था, गाड़ी उधर आके ठोके चली गई। और अर्चना जी, गाड़ी सोहेल भाई, गाड़ी के पीछे लिखा था सावधान, ड्राइवर शिकत आहे। तुम्हें पता क्या शराब की वजह से कितना नुकसान होता है? क्या? और ये शादी वादी की जो तुम बातें कर रहे थे, हाँ, आज के बाद कभी मेरे पास आकर ये शादी वादी की बातें मत करना। क्यों? मुझे मेरी बहन याद आ जाती है, बेचारी नई नई जवान हुई थी, कम सिन गटर, लेकिन नाले वालों ने उसका रिश्ता ठुकरा दिया। क्यों? कहने लगे वो बहू ही क्या, जिसमें से कचरा ना निकले, कॉकरेज ना निकले, बदबू ना आए। तब से मेरी बहन घर में बैठी हुई है। अरे यार बुरा हो यार तेरी फैमिली के साथ, सारी फैमिली बर्बाद हो गई। मेरी माँ बदबू वाली खाड़ी, मेरा बाप गंदा नाला, और मेरे छोटे छोटे भाई बहन डस्टबिन। इतने क्यूट थे ना कि उनके पैर पे पैर रखो और ऐसे मुंह खोलते थे। सब बर्बाद हो गया सिर्फ शराब की वजह से। तुम शराब मत पिया करो भाई। क्यों? देखो तुमने अभी शराब पी है ना, हाँ। तुम्हारी रगों में खून नहीं, गंदी चीज बह रही है। तो तेरे में से कौन सा बिस्लेरी वाटर घूम रहा है? शराब ने कई घर उजाड़ दिए, कई देश बर्बाद कर दिए, कई बच्चे अनाथ कर दिए, कई औरतें विधवा कर दी। अरे घरों के घर उजाड़ दिए उसने। सोहेल जी, सीरियस वाली एक्टिंग भी अच्छी करती हो ना। थैंक यू, फिल्म पक्की ना। मत पिया करो शराब भाई, मत पिया करो। अबे सीरियस ने मेरे को खांसी आ रही है। लेकिन यार तूने मेरी आंखें खोल दी यार, सच्ची में नहीं पीऊंगा मैं शराब। मैसेज, हाँ वही कैमरे में मैसेज दे रहा हूँ, मत पियो शराब, लेकिन एक शर्त पे। अर्चना मैम, सोहेल भाई, अच्छे नंबर देना प्लीज। अच्छा। अगर आप अच्छे नंबर देंगे तो मैं भी शराब छोड़ दूंगा, फिर मेरी घर गृहस्थी बसेगी, मेरे बच्चे पढ़ेंगे। अगर नहीं दिया, मेरे बच्चों का भविष्य आपके हाथ। अरे अब तो एक्ट खत्म हो गया है। बताइए अर्चना जी, सोहेल जी और आप दोनों भी, कि हम दोनों गंदी चीज बने, लेकिन हमारा एक्ट कैसा लगा? स्टैंडिंग ओवेशन दे दी। अर्चना, आपसे पूछूंगी, ये बदबूदार लव स्टोरी आपको कैसे लगी?
इतना बड़ा जुम्मा दे दिया मुझे कि अगर मैं अच्छे मार्क्स नहीं दूंगी तो तुम शराब नहीं छोड़ोगे? नहीं नहीं, लेकिन मैं कौन होती तुम्हारा मजा खराब करने वाली? तुम मजे लेते रहो, मैं अपने मार्क्स ही दूंगी तुमको। सोहेल, आपको कैसे लगी ये लव स्टोरी? आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो बहुत ही मतलब एक यूनिक कॉन्सेप्ट दिया गया। आप लोगों ने जो भी अचीव किया है, आप लोगों ने एक बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट लेके अचीव किया। थैंक यू सो मच। जायद, आप इस गटर में गिरना चाहेंगे? बिल्कुल गिरना चाहूंगा। इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आपने तो साइरस को भी हंसा दिया है। आउटस्टैंडिंग। वेल डन, आई लव्ड इट। थैंक यू सो मच। सोहेल, अर्चना, इनके मार्क्स दे दीजिए प्लीज। सोहेल 9.5। अर्चना, खास तौर से सिद्धार्थ, यू आर फैबुलस। थैंक यू सो मच। उनके मेकअप से लेकर उनके ब्रेकअप तक की सच्चाई बताने आ रहे हैं कपिल एज ड्रेसिंग टेबल एंड श्वेता एज द ओनर। प्लीज वेलकम देम। अर्चना जी, पहचाना मेरे को? नॉट मी। मैं वही हूँ जिसके साथ आप 24 घंटे में 20 घंटे रहती हैं। पर मैं इतनी ड्रेसिंग टेबल। भाई वैसे मैं ड्रेसिंग टेबल हूँ, लेकिन वैसे मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हूँ, क्योंकि ये मेरे को ड्रेसिंग टेबल कम डाइनिंग टेबल की तरह यूज करती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेकअप का सामान ही खाती हैं, कभी कभी पिज्जा भी मंगवा लेती हैं। पिछली बार तो एक पिज्जा कंपनी वाले चिली फ्लेक्स डालना भूल गए, ये सिंदूर छिड़क के खा गई। पार्टी में जाने का सिंदूर ना मिले, फिर इधर लहसुन की चटनी लगा के निकल गई। दिया जी, कैसी हैं आप? आप सामने आ गए हो तो मैं बड़ी खुश हो गई। अरे क्या, मुझे पता है आप हमारी बड़ी तारीफ करेंगे, कहेंगे आपका शो देखते हैं, बड़े फैन हैं। सच्चाई ये, आपको सिर्फ अपनी प्रमोशन से मतलब है। हमें पता है। जायद भाई भी आए, मैं आपका इतना फैन हूँ, मतलब वो अलग बात, मैंने आपको पहली बार देखा है लाइव सामने। अदरवाइज मतलब मैं आपका इतना फैन हूँ, आप इतने स्मार्ट हो ना, मतलब क्योंकि चैनल ने कहा है तारीफ ही करनी है जो आए। नहीं, आप तो सचमुच में स्मार्ट हो सर जी। हमने तो एक बार तारीफ के चक्कर में विनय पाठक को टॉम क्रूज बोल दिया था। आप तो स्मार्ट हो। खैर दिया मैडम, आप अगर मेरे एक्ट में खुल के हंसेंगी। इस वक्त आप आईना हो कि आप हो? मैं मैडम ड्रेसिंग टेबल हूँ। अच्छा, ड्रेसिंग टेबल जो आप सबसे ज्यादा यूज करती हैं। हाँ। आज भी 7-8 घंटे यूज करके आई, मुझे पता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि 50 ग्राम का मुंह है, 225 ग्राम का लग रहा है। आपने मेरे एक्ट में अगर जोर जोर से हंसा तो मैं पूरे एक्ट में 15 बार आपकी फिल्म का नाम लूंगा। अच्छा। 14 बार तो मेरे को चैनल ने बोल के ही भेजा है। अच्छा। खैर मैं एक नया सेकंड हैंड ड्रेसिंग टेबल हूँ, नया इस घर में शिफ्ट हुआ हूँ। भगवान से मेरी दुआ है कि मेरी मालकिन सेक्सी हो, नहीं तो पिछली बार मेरे को इतनी गंदी मालकिन मिली थी ना, उसके सामने ये मेरा भाई साहब भी पमेला एंडरसन लगता था। देख के मुझको आईना बोला कि वो सवरने वाले हैं, अब तो आईने भी बेमौत मरेंगे। हाय। आईने बेमौत मरेंगे तो बाकी का एक्ट क्या तेरी मामी के लड़के करेंगे? हैं? ओए माँ, तू बोलता है? ए हट, नौकरानी के मुंह नहीं लगता मैं। ए नौकरानी, किसको बोला? मैं नौकरानी नहीं हूँ, मालकिन हूँ। तू मालकिन है? ए तू चुप कर, चल मुझे लिपस्टिक लगाने दे। हाय, खराब हो जाएगी। खराब क्यों, जितना मर्जी देख के लगा ले, 10-20 ग्राम तेरे दांत पे लगी जानी है। जा ही लौटते, कभी कभी यहाँ तक मेकअप कर देती हैं, यहाँ तक लिपस्टिक, फिर मैकडॉनल्ड बन के घूमती बाहर गलियों में। चल चुप कर। अब मेरे को बता, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरे को एक बात बता। हाँ। जब तेरे पास ऑलरेडी इतनी जगह थी तो मुझे क्यों खरीदा? तू इधर ही क्यों नहीं अपने शैम्पू लिपस्टिक रख लेती? और मेरे को एक बात बता, ये 24 घंटे बीन बैग साथ में लेके घूमती है। बीन बैग? तेरी हिम्मत कैसे हो रही है मेरे मुझसे जुबान लड़ाने की? शुक्र कर मैं तेरे से जुबान लड़ा रहा हूँ, जैसी तेरी शक्ल है मेरा दिल करता तुझे सांप लड़ा दूं मैं। जुबान लड़ा रहा हूँ। और तूने जो मधुमक्खियां लड़ा के इतनी स्वेलिंग कराई उसका क्या? मैं कोई आम आईना नहीं हूँ, प्रतापगढ़ की महारानी मुझमें देख देख के तैयार होती रही है। हाँ, बस उसी के बाद उसका तलाक हो गया। तलाक तो होगा, साली पुठे सीधे काम करती थी। अच्छा। अब विक्स ने लिप्स पे घिस रही है, लिपस्टिक को सूंघ के अंदर ले लेगी तो तलाक ही होगा उसका। अरे तू जैसे तेरे मेरे आईने में देखकर तो लिपस्टिक नाक में ही जाएगी,
तेरा आईना इतना टेढ़ा मेढ़ा है ना कि अगर दिया मिर्जा भी उसमें देख ले तो शोएब अख्तर नजर आती है। शोएब अख्तर किसका नाम ले लिया तूने कमबख्त का? कहते सचिन तेंदुलकर मेरी बॉलिंग से डरता है। फिर तू सीधा सीधा बोल, तुझे अपनी किताब 7 रुपए की नहीं 250 की बेचनी है, सचिन का नाम क्यों ले रहा है? घटिया ड्रेसिंग टेबल, अपनी बकवास बंद कर वरना बाहर फेंक दूंगी। अच्छा मैं घटिया हूँ और तूने ये जो 5 रुपए की 3 लिपस्टिक पकड़ी, ये पेरिस से मंगवाई तूने? शुक्र कर तेरे घर में ड्रेसिंग टेबल आया, थाली को उल्टा करके तैयार होने वाली औरत। परसों इसकी भाई की दुकान पे चलेगी सामान लेने, इतनी कमबख्त ब्रांड का पता ही कुछ नहीं, कहती हॉकिंस की लिपस्टिक देना, वो भी आगे से इसका भाई कहना हॉकिंस की नहीं MDH की ले लो। तेरे को अकल है? मारूंगा तेरे थप्पड़े कान में खींच के मैं। हाँ बढ़िया आई तू। इतनी मैं सुंदर हूँ, बताओ मुझे ऐसे बोलता है? काहे की सुंदर है तू? क्या किया तूने? कैसे बड़े बड़े ठुमके लेके घूम रही तू? काहे की सुंदर है? तू जितनी खूबसूरत है ना, कहीं तू थोड़ी सी और खूबसूरत होती ना, तब भी जाके तू ओमपुरी लगती तू। ओमपुरी किसको मिला? तुझे मालूम नहीं है, अगर आज भी मैं एक ठुमका मार दूँ ना, तो 5-6 लौंडे तो यूं ही बेहोश होके गिर जाते हैं। ए, मेरी बात सुन, ये लौंडे तेरे ठुमके की वजह से बेहोश नहीं होते, तेरे ठुमके में से जो ड्राई केमिकल निकलता है ना, उसकी वजह से बेहोश होते हैं। मुझे तैयार होने दे, बकवास कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बता, क्या तूने कभी सलमान खान के घर में काम किया है? सलमान के घर मैंने कभी काम नहीं किया। हाँ। एक बार सोहेल के घर में किया था। हाँ। लेकिन आगे से नहीं करना। क्यों? इनका कुछ पता नहीं चलता, पता नहीं कब खुश होके मेरी पुंगी बजा दी। मेरे ड्रॉर के दोनों नोब तोड़ दिए घुमा के इसने। अब नहीं करता हूँ मैं। कभी किया है? उसके यहाँ तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम आती थी ना, 6-6 घंटे लगाते थे बप्पी का गहने पहनने में। फिर भी लास्ट में मेरे को बताना पड़ता था, दादा बाएं पांव की पायल रह गई है, उसको पहनो। क्यों क्या? दादा को नाभि के नीचे का हिस्सा तो नजर नहीं आता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कॉमेडी सर्कस का वो कंजूस प्रोड्यूसर है ना विपुल शाह, उसके यहाँ काम किया है? इतना कमबख्त प्रोड्यूसर है ना वो, शीशे में अपनी फोटो देख के अपनी फोटो में से पैसे निकाल लिए। अच्छा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती शक्ति कपूर के घर में। अच्छा। 5 मिनट से ज्यादा आदमी नहीं टिक सकता। हाँ। अपनी टांगों को शेव करके शीशे में देख के खुश हो रहा था। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो बक बक ये चला जा रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हो रही है इतनी बातें करने की? तेरी औकात क्या है? है? कोई भी ऐरा गैरा आकर तुझमें अपनी शक्ल देकर चला जाता है। चला। कपिल और श्वेता, सबसे पहले हम सुहेल से पूछेंगे कि वो लास्ट का क्या था, क्यों इतना हंसे आप? वो आई कांटेक्ट था हमारा। हमारा आई कांटेक्ट में सब कुछ खुल गया। यू कुड नॉट गो ऑन। लव यू श्वेता, लव यू कपिल। अर्चना, आप इस ड्रेसिंग टेबल को घर ले जाना चाहेंगी? मेरे घर से होता हुआ ही ड्रेसिंग टेबल कहीं कहीं और गया है। दिस एक्ट वॉज अगेन वेरी एंटरटेनिंग, और श्वेता आपने बहुत अच्छा किया। कपिल यू आर ऑलवेज वेरी गुड। दिस शीशा आई वुड लव टू टेक होम, डेफिनेटली एनी डे। जायद, इनके अंदर भरे टैलेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? अरे मैं क्या बताऊं कि मैं नोटिस्ड वाज द अंदर का भरा हुआ टैलेंट। हाँ नहीं, मैं क्या बोलूं, मैं यही कहूंगा कि शीशा के सामने देखते समय मैं 2 बार सोचने वाला हूँ पहले। लेकिन कपिल, यू आर फैंटास्टिक ब्रदर, एंड श्वेता, यू आई कांट गेट माय आईज ऑफ योर हिप्स। आउटस्टैंडिंग, कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एंटरटेनिंग। थैंक यू, थैंक यू। अब आईने में इन्होंने आपको अपनी शक्ल दिखा दी है, आप इन्हें इनके मार्क्स दिखा दीजिए प्लीज। अर्चना, 9 points। सुहेल, 10 points। Please welcome Vishakha as Tano and Mantra as Irfan Khan. Hello. अरे हो, अरे हो, अरे डार्लिंग मेरी बात तो सुनो। अरे हाँ, आई ऑल कहा है भैया, सॉरी रिचार्ज खत्म हो गया, अब क्या करें? होता भैया, किसी के साथ भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, आई लव यू बोलना, अचानक से रिचार्ज खत्म हो गया, क्या करोगे इसमें? हैं, कबूतर के पाँव पे चिट्ठी बांध के तो भेज नहीं सकते। अभी क्या करोगे, अभी क्या करोगे, 10 रुपये उधार मांगेंगे और क्या भैया, छोटा रिचार्ज करा दो, बड़े लोग बैठे हैं, 2.5-2.5 रुपये दे दो अपनी तरफ से।
अच्छा भैया, अरे एक तो ये हमारी गर्लफ्रेंड जो है ना, बहुत परेशान करती है रात रात भर. रात को उसको बात करनी है, फोन लगवाती है हमसे और रात भर बतियाती है. और बात करने के लिए कुछ है ही नहीं उसके पास. हर थोड़ी देर में बोलती है, और बोलो और क्या हो रहा है, और क्या बोलो. अब क्या बोले आदमी, एक टाइम के बाद क्या बोले. मैंने उसको किराने की लिस्ट पकड़ा दी, मेरा चावल का भाव ये है, दाल का भाव ये, आटे का भाव ये चल रहा है. क्या बताया आदमी. सोहेल भाई बढ़िया, अर्चना भाई बढ़िया, जायद भाई, जायद भाई बड़े बहुत बड़े आदमी भाई. पर्सनल 6 फीट की हाइट है इनकी, अपने खुद की. पिछले शुक्रवार को हमने आपकी वो देखी, मैं हूं ना, बहुत धमाकेदार काम लगा मैं शाहरुख का. दिया सब बढ़िया है ना, बढ़िया चल रहा है. हमने आपके लिए शेर लिखा था एक, हमने आपके साथ काम किया. अरे बिल्कुल, अरे दिया आपने तो हमारा दिया जला दिया. देखिए हम उम्मीद का दिया जलाते रहते हैं, आप बस तेल डालती रहो. हाँ तो हम शेर सुना दें आपको कि भैया हमारी मजार पर कोई आया और दिया जलाकर चला गया. हमने भी मजाक में छोटा सा रिचार्ज करा लिया. हमारे स्लमडॉग का पेमेंट आ गया है तो हमने ना थोड़े अपनी गाड़ी ले ले, 300 रुपये डाउन पेमेंट, बाकी साहूकार से उधार ले लेंगे. कहा तो बढ़िया. लेकिन आप शोरूम पे आ गए, गाड़ी कहाँ है, यही कौन रही. मैं, अरे मैं गाड़ी हूँ, गाड़ी. तो गाड़ी है तो दो बैल कहाँ गए, बैलगाड़ी. मैं बैलगाड़ी नहीं हूँ, मैं टेनो कार हूँ, टेनो कार. अरे बहुत बहुत चर्चे सुने इस गाड़ी के, हम लोग कुछ लेना है. कितने की पड़ती है भाई. 250 किलो की. अरे हम तेरा वजन नहीं पूछ रहे, तेरी कीमत पूछ रहे. कितने की पड़ती हो. 2,25,000 ऑन रोड. और ऑन बेड पागल औरत. अरे गाड़ी ऑन रोड ही चलती, ऑन समंदर थोड़ी ना चलेगी. वोडी मीन ऑन रोड. एक बात बता, तू तो 1,00,000 की गाड़ी थी ना सबको, तूने यही बोला था 1,00,000 की गाड़ी. वो क्या है, वो टैक्स और इंश्योरेंस सब मिला के इतने में ही पड़ती हूँ मैं. मतलब अर्चना वाला सिस्टम है तुम्हारा. मतलब नहीं, जजमेंट 100 रुपए के अंदर हो जाता है, लेकिन उसके बाद कोल्ड ड्रिंक खाना पीना मिला के 2,50,000 रुपए ऐसे ही बन जाते हैं. अभी बताओ कि ये सब इंजन कहाँ है तुम्हारा. अरे इंजन क्या पूछ रहे हो, मुझे मालूम है. लेने के लिए बहुत बड़ी बड़ी हस्ती आती है. कौन है तुम्हारे. एक बार अर्चना जी आई थी फिर? टेस्ट ड्राइव के लिए फिर? पूरी की पूरी गाड़ी खा गई. मैंने कहा है मैं टेस्ट ड्राइव के लिए नहीं हूँ, टेस्ट ड्राइव के लिए हूँ. फिर कुछ नहीं, टूथपिक से गाड़ी निकाली, यू धड़ाम करके गिर गई मैं. फिर के लिए ओ माँ वाह वाह यम्मी टेस्टी. मैंने सारे पहिए खा लिए पोलो समझ कर. और कहती है पहली बार ऐसा मिंट देखा विदाउट होल. अरे हमें कोई गाड़ी चाहिए, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी. अबे शक्ल है भूख मारी और गाड़ी चाहिए लग्जरी. साले मैच तो तू आजकल खेलता नहीं है. तेरा भाई अच्छा है तेरे से, यूसुफ पठान खेलता तो है. अरे पागल हुई है. अरे मैडम हम वो क्रिकेटर वाले इरफान पठान नहीं है तो? हम हीरो है, हीरो इरफान खान. पहचान नहीं रहा, लेकिन चौके छक्के हम भी बहुत मार लेते हैं. चलो जल्दी बताओ कौन सी मॉडल हो. अरे मैं बहुत बड़ी मॉडल हूँ, काफी कलर्स में हूँ. अरे तू अभी यहाँ सोनी पर तो फिट हो जा, कलर्स के बारे में बाद में सोचना. साले मेरे को सुना रहा है तेरी फिल्में कौन सी चल रही है रे. अरे हमने यहाँ पे आइटम नंबर का वाली फिल्में नहीं करते क्या. अपन हॉलीवुड टाइप आइटम है क्या. आर्ट फिल्में करते हैं. आर्ट यार तो मेरा सब्जेक्ट नहीं, मैं साइंस साइड की हूँ. तू साइंस साइड की नहीं है, तू चारों साइड की है. अरे तेरे से पहले केवल 3 दिशाएं थी, तेरे बाद में 4थी दिशा आई. मैं आपको बताऊं ये पृथ्वी चौकोर है कायदे के अनुसार, लेकिन वहां से वैज्ञानिक जब अंतरिक्ष से देखते हैं ना तो सबसे पहले यही दिखती है, और इसको देख के बोलते हैं ओ माय गॉड पृथ्वी गोल है. अरे ऑब्जेक्ट ही है तू. अरे कमाल की ये ऑब्जेक्ट दिख रही है, तू खली का बीन बैग लगती है ऊपर से नीचे तक के. तू निकल यहाँ से वरना तोड़ दूंगी. यार ये तू लाइन कितनी बार बोलेगी मेरे को ये बता. मतलब हर एपिसोड के अंदर तेरे को ये मेरे को तोड़ दूंगी, जब भिखारी बना तब भी, बुड्ढा बना तब भी, जब देखो तोड़ दूंगी की बात क्यों करती. हाँ क्या करूँ यार, मेरे साइज की कंटिन्यूटी मेंटेन कर रही हूँ. तू कॉमेडी तो मेंटेन कर नहीं सकती, तू साइज की कंटिन्यूटी मेंटेन कर. और आप अपने नंबर की कंटिन्यूटी मेंटेन कर लो. वही 8, 9, 7, 8 जितने भी बनते हैं अपने हिसाब से देख लो, जो रखते दे रहे. चलो तो जायद आपको कैसे लगे इरफान. मैं यही कहना चाहता हूँ कि यू नो जो सीरियस कॉमेडी है और जो स्ट्रेट फेस कॉमेडी है वो सबसे मुश्किल है, और आपने जिस आसानी से किया यहाँ पे, इट वॉज जस्ट फैंटास्टिक ब्रदर, इट वॉज वेरी नाइस सीरियसली. थैंक्स सर, थैंक यू. दिया मैं तो ये कहूँगी कि इरफान खुद जब आपको देखेंगे तो कहेंगे यार ये मेरा दूसरा हिस्सा कहाँ से आ गया. वेल डन. अर्चना मंत्रा आपके इरफान की तारीफ मैं करूंगी जरूर, लेकिन मुझे आपके इरफान में कहीं कहीं एक हल्का सा नाना झलकता हुआ नजर आ रहा था. अपार्ट फ्रॉम इरफान देयर वाज नॉट मच दैट वाज वर्किंग इन द स्क्रिप्ट. सोहेल भाई व्हाट डू यू थिंक. इरफान अगर आपने इरफान की कॉमेडी देखी है तो उसको सिर्फ पंच लाइन दिए जाते हैं, उसको कभी लंबे लाइंस नहीं दिए जाते, बिकॉज ही कांट होल्ड देम. टू डू अ फुल एक्ट ऑन हिम एंड टू कीप अस स्माइलिंग आई थिंक इज अ क्रेडिबल जॉब मैन. थैंक यू सर, थैंक यू सर. चलिए इतनी तारीफ के बाद अच्छे स्कोर्स भी दे दीजिए सोहेल. वन मैन शो 9 पॉइंट्स. अर्चना
8 पॉइंट. तो आज के हमारे एक्ट्स यहीं पे खत्म हुए. दिया, जायद एंड साइरस, यू हैव बीन सच अ वंडरफुल कोहोस्ट. हैड सो मच फन. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म. आई एम श्योर हम सब जाएंगे उसे देखने के लिए. थैंक यू रोशनी. थैंक यू. हंसी की ये रियलिटी चलती रहेगी कल भी. ओनली ऑन अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.